हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों, आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे है, जिस ये बेसिकली गेमिंग सेगमेंट में G5 का नया वर्जन है। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखेंगे कैसा है प्रोडक्ट और क्या इसके बॉक्स के अंदर से हमें देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा बॉक्स। अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी हैवी है, वेट इसका काफ़ी हैवी है, राइट। एक नॉर्मल लैपटॉप के बॉक्स से इसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा सा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपको डेल की बैचिंग मिल जाती है। कलर की बात करें दोस्तों, तो ये ब्राउन बॉक्स में आता है। साइड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे यहाँ पर इसका सर्विस टैग नंबर वगैरह मेंशन किया है डेल ने। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। मॉडल नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 5510 इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस भी डेल ने मेंशन किए, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब जल्दी से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें क्या कॉन्टेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा एडाप्टर का, राइट। मैं इसे कर लेता हूँ अलग। एडाप्टर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है दोस्तों, और काफ़ी वेटेड एडाप्टर है, इसका वजन भी काफ़ी है, राइट। और ये रहा एडाप्टर दोस्तों। अगर मैं इसके वॉट की बात करूँ दोस्तों, तो ये 180 वॉट का एडाप्टर है, काफ़ी पावरफुल एडाप्टर है। और यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेशन टोन भी देखने के लिए मिल जाती है, राइट। और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ इसकी केबल देखने के लिए मिलती है दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाता है। इसे रखता हूँ मैं साइड में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पावर केबल मिल जाएगा इंडियन स्टाइल में, तो इससे कनेक्ट करके आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, राइट। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। इसके रैप को हम अलग करते हैं, राइट। काफ़ी वेटेड लैपटॉप है दोस्तों, काफ़ी वजन है, आई थिंक क्योंकि ये मॉन्स्टर लैपटॉप है, राइट। काफ़ी अच्छे इसके स्पेसिफिकेशन है। इसके रैप को हमें जल्दी से अलग करते हैं दोस्तों, और अंदर से देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट, राइट। फाइन दोस्तों, लुक एट द एक्चुअली ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो दोस्तों, ये इंस्पायर्ड है एलियन वेयर। अगर आप M15 वगैरह देखेंगे दोस्तों, तो सेम डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके कलर की बात करें दोस्तों, तो ये ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डेल का बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर हम इसके बैक साइड एरिया की बात करूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली एलियन वेयर डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको जी सीरीज़ का बैचिंग मिल जाता है, क्योंकि ये जी सेगमेंट का लैपटॉप है। यहाँ पे आपको दो पोर्ट इस हाई स्पीड पोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट दिया हुआ है, राइट। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी कम से कम एटलीस्ट 4 एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो कूलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। जैसे मैंने बताया, एक ये एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है, सेकेंड ये देखने के लिए मिल जाएगा, उसके अलावा एक ये एग्जॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे भी आपको एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। कहीं ना कहीं इसमें कूलिंग बहुत अच्छी होगी दोस्तों, जब भी आप कोई गेम वगैरह खेलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम और हीटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आपके मशीन में नहीं होगा। पोर्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल बेसिकली USB 3 पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और एक HDMI पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक आपको यहाँ पे चार्जिंग का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आपको गीगाबाइट इंटरनेट कंट्रोलर आपको मिल जाता है दोस्तों, तो अगर आप LAN से इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। यहाँ पे हेडफोन जैक और एक LED इंडिकेशन टोन भी आपको मिल जाता है। अब इसके बैक साइड एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लुक इट दिस, काफ़ी बड़ा इसका एयर वेंट है दोस्तों, तो कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम इस मशीन में बिल्कुल ख़त्म कर दिया डेल ने, बिल्कुल भी मशीन आपका हीट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कुछ इसके इन्फॉर्मेशन सर्विस टैग वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे डेल ने मेंशन किया दोस्तों, और यहाँ पे 4 रिप आपको मिल जाते हैं। जब भी आप टेबल वगैरह में रख के यूज़ करेंगे तो आपका मशीन स्प्लिट नहीं होगा, राइट। अब जल्दी से मैं इसके लीड को उठाता हूँ दोस्तों, अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप इस मशीन को बेसिकली इसके लीड को उठाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैंने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये बेसिकली कंप्लीट 15.6 इंचेस वाला डिस्प्ले है। अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, और 250 निट्स का ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। कैमरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डुअल माइक्रोफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आपको एक इंडिकेशन टोन भी देखने के मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा चेंजेस मुझे इस मशीन में देखने के लिए मिला है दोस्तों, कि यहाँ पे जो स्पीकर आप देखेंगे ना, इसके जो स्पीकर है वो अप फायर स्पीकर है, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक ऑडियो टेक्नोलॉजी डेल यहाँ पे देता है, और इसके एयर वेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर हम इसके कीबोर्ड की बात करें दोस्तों, तो कंप्लीट कीबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर्स के की भी आपको देखने को मिल जाएगा,
और यहाँ पे बेसिकली गेमिंग के लिए आपको हाईलाइट की जो बेसिकली वेडिंग रहती है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी डेल का G5G का बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैंने जो गौर किया दोस्तों, पहले जो गेम स्विफ्ट टेक्नोलॉजी की बटन होती थी वो G7 थी, अब भी हमने इसे शिफ्ट कर दिया है बेसिकली, अब ये F9 में आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके कीबोर्ड की जो कलर है दोस्तों ये बेसिकली ऑरेंज में है, तो काफ़ी कूल दिखता है क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे जी का जो आप ब्रांडिंग देख रहे हैं यह भी ऑरेंज में है, तो यहाँ इसका जो कीबोर्ड है वो बेसिकली ऑरेंज कलर में देखने के लिए मिलेगा। ट्रैक पैड एरिया की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा प्रीवियस वेरियंट जो था दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा ट्रैक पैड था, बट यहाँ पर आपको डेल ने थोड़ा सा यहाँ पर इसे कॉम्पैक्ट साइज का बनाया, आई डोंट नो क्यों, राइट। यहाँ पर आपको कुछ बैचिंग देखने के लिए मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आप एक नया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं गेमिंग में, अगर आप बिगनर हैं, आप प्रो गेमिंग नहीं करते, तो मैं पर्सनली ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगा। मैं जल्दी से इसके स्क्रीन की क्वालिटी आपको दिखा देता हूं दोस्तों कैसा दिखता है, अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो, और साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर पाएंगे। ओके गाइज, कैसा लगा साउंड मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली ये दो प्रोसेसर में कंपनी ने लॉन्च किया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास गैजेट है उसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है 10200H। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो ये बेसिकली 4.10 GHz पे क्लॉक है। अगर इसमें कोर्स की बात करें दोस्तों तो ये 4 कोर का प्रोसेसर है, 8 MB कैश देखने को मिल जाता है और 8 थ्रेड के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप मल्टीमीडिया वर्क भी इस मशीन में कर सकते हैं, नॉर्मल आप गेमिंग भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा। अगर मैं इसके रैम की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली 8 GB ऑफ रैम आपको देखने को मिल जाती है। आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसको आप अप टू 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 512 GB का आपको SSD देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, इसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, अप टू 2 TB तक आप अपनी SSD को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर इसमें कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलती है वाईफाई 6 देखने के लिए मिल जाता है, तो कोई भी इशू नहीं जाएगा। अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ 5.10 आपको देखने के लिए मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपको विंडोज़ देखने को मिलता है, ये लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। MS Office की बात करें तो यहाँ पे 2019 आपको MS Office देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पे 15 months का McAfee एंटीवायरस भी दिया है, तो काफ़ी अच्छे से आपका डिवाइस में कोई भी वायरसेस वगैरह नहीं आएगा, आप माइंड फ्री होकर काम कर सकते हैं, राइट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन मैंने प्राइस तो बताया नहीं, प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 74,000 rupees का प्रोडक्ट है, और अगर आप डेल की ऑफिशियल साइट से लेते हैं तो वहाँ पर 1500 rupees का आपको कैशबैक भी मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।